दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों इस हफ्ते को अगर देखें तो एक बड़ी महामारी, एक बड़ी आपदा से समूचा विश्व और खासकर हमारा देश लगातार उससे आक्रांत रहा है, उसको झेलता रहा है, उसे निजात पाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन इस बड़ी आपदा के बीच एक और आपदा जो बंगाल और उड़ीसा दो हमारे राज्यों ने, ये ओडिशा और बंगाल में जो चक्रवाती तूफान से इतनी तबाही हुई है, खासकर बंगाल में, इसके अलावा बांग्लादेश भी प्रभावित हुआ है। अभी एक और आपदा देखी हमने, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, एक वहाँ पर एक विमान जो है क्रैश कर गया जिसमें काफ़ी लोग मर गए। तो ऐसा लगता है कि इस पूरे इलाके में आपदा लगातार हमारा पीछा कर रही है। और अपने मुल्क की बात करें तो हम जिन्होंने ये हमें कहा गया कि आपदाएं जो हैं उनको अवसर में तब्दील करना है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपदा को किस तरह का अवसर बनाया जा रहा है। पहले कहा गया कि कोरोना को जिस तरह हम फाइट कर रहे हैं उससे कोरोना कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा। कभी कहा गया कि 18 दिन में महाभारत लड़ा गया है, 21 दिन कोरोना की लड़ाई चलेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं, चीजें खराब हो रही हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, मजदूर तबाह हो रहे हैं, आम लोग बेहाल हो रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं, और स्वयं अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाले जो इस देश के लोग हैं वो मान रहे हैं कि इतनी बुरी अर्थव्यवस्था आज तक के दौर में, पिछले न जाने कितने दशकों के दौर में इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ था। लेकिन इससे निजात पाने की कोशिश कैसे देश करे? महामारी को खत्म करना किसी के हाथ में नहीं है, चाहे वो सरकार हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, लेकिन तरीके कैसे हमें इजाद करने होंगे, किन तरीकों से उसको हम खत्म करेंगे, उससे लड़ेंगे, अपने देश को बचाएंगे, इस पर तो बात हो सकती है। लेकिन अपने देश में जब कहा जाता है सरकार के, सत्ता के शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं, कि हमें महामारी को मौका में तब्दील करना है, हमें आपदा को अवसर में तब्दील करना है, तो उन लोगों के दिमागों में होता है सिर्फ अर्थव्यवस्था का कॉर्पोरेटीकरण, अर्थव्यवस्था को निजी हाथों में सौंपना, और होता है कि सत्ता पर कैसे लगातार काबिज रहना। ये दो चीजें मुझे लगता है कि उनके दिमागों में सबसे ज्यादा होती हैं। और दोस्तों हम मजदूरों की पीड़ा पर लगातार आपको, उनकी यंत्रणा पर, उनकी तबाही पर हम लगातार आपसे अपनी बात कहते रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते जो और एक बात सामने आई हम उस पर आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, बल्कि दो बातें। पहली बात एक घटनाक्रम है कि महामारी पर पूरा देश जो है, हर व्यक्ति देश का चाहता है कि इस महामारी के बारे में क्या खबर है, क्या ये कम हो रही है, क्या इससे लोग बच रहे हैं, क्या कोई बहुत ज्यादा तबाही तो नहीं हो रही है, हमारी सरकार क्या क्या अच्छे काम कर रही है या क्या क्या गलत काम कर रही है, ये जानकारी लोगों के दिमागों में हमेशा रहता है कि ये खबर मिले। लेकिन अचानक हमने दो दिन पहले देखा कि टेलीविजन चैनलों पर, खासकर जो हिंदी हार्टलैंड में सबसे अधिक टेलीविजन चैनल देखे जाते हैं, उनमें एक खबर लगातार कई घंटे तक बनी रही, और वो खबर थी कि अयोध्या में मंदिर के बनाने के लिए जो समतलीकरण हो रहा है जमीन का, उसमें नीचे अजीब तरह के बड़े बड़े भव्य टुकड़े मिले, पत्थर मिले, और वो ये बताते हैं कि यहाँ एक भव्य मंदिर था। अरे भाई, भव्य मंदिर की बात तो तय हो गई कि आपको बनाना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से फैसला आ गया, अब किस बात के लिए मंदिर का प्रचार कर रहे हैं कि वहां मंदिर था तो वहां पत्थर था। आपकी बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, दूसरे पक्ष की बात भी सुनी, मंदिर का रास्ता साफ हो गया, अब मंदिर आप बनाइए। लेकिन मंदिर पर खबर महामारी में, जब पूरा देश महामारी से तबाह है, तो मंदिर की खबर को लगातार प्रचारित किया गया। ये अलग बात है कि उसके तत्काल बाद दलित बौद्ध समाज से लगातार ये दावा आता रहा कि जो चिन्ह दिखाए जा रहे हैं, जो पत्थर दिखाए जा रहे हैं, जो जितने प्रतीक चिन्ह हैं, जो खंडहर में जो वहां पाए गए हैं ऐसा बताया गया है, वो सारे बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह हैं। अब ये भी एक अलग विवाद है। और दोस्तों ये जो खबर आई, इसके पीछे की कहानी आप समझ सकते हैं, दक्षिण भारत के चैनल, मध्य भारत के चैनल कहीं नहीं, ये केवल उत्तर भारत हिंदी हार्टलैंड के 3-4 प्रमुख हिंदी के चैनलों पर चलवाया गया या चला, मैं नहीं जानता कैसे क्यों
कब, क्योंकि अयोध्या के लोगों को भी मालूम नहीं था। जब मैंने अयोध्या फोन किया कई अपने मित्रों को कि भाई इसके बारे में क्या जानकारी है, तो लोगों को मालूम नहीं था। दूसरी खबर जो इस हफ्ते की बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर आज चर्चा होनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि देश को भी इस पर सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए, कि इस दरमियान इतने दिन हो गए हमारे देश का जो विपक्षी जो खेमा है, पहली बार उसकी शुक्रवार को बैठक हुई, तकरीबन 50-55 दिन बाद। अब हमारा कहना है कि इस महामारी के दौर में जब इतनी ज्यादा तबाही, इतनी बेहाली है, सरकार की गलत नीतियों की अब केवल देश में नहीं देश के बाहर भी आलोचना हो रही है, क्योंकि भारत एक बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है कि अगर यहाँ का जो मजदूर है, जो प्रवासी मजदूर है, वो अगर केवल संख्या ले ली जाए तो यूरोप में कई ऐसे मुल्क हैं जितनी संख्या उनकी है, जितनी आबादी है, उतने हमारे प्रवासी मजदूर हैं, बल्कि उससे ज्यादा है। तो प्रवासी मजदूरों की पीड़ा की जो तस्वीरें हैं, जो दुनिया के किसी भी बेहाल मुल्क की तस्वीरों से भी ज्यादा बेहाल हैं, जब वो गई हैं टेलीविजन चैनलों के जरिए, जब वो गई हैं अखबारों के जरिए, वेबसाइटों के जरिए, तो आज पूरी दुनिया में जो लोग नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा किया करते थे हाल तक, वहां भी लोग उनकी और उनकी सरकार की गलत नीतियों की जमकर आलोचना कर रहे हैं। दुनिया के जितने बड़े अखबार, जितने बड़े चैनल हैं, सभी भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार की कोरोना महामारी से निपटने में जो अक्षमता है, जो नाकामी है, उसको लगातार उस पर बोल रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं। यह अलग बात है कि भारत के चैनल आमतौर पर एक आध को छोड़कर सब खामोश हैं, या कम से कम सत्ता का भजन गाने का अपना पुराना राग या अभ्यास वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इस बीच में अपोजिशन की जो बैठक हुई, बड़ी दिलचस्प बैठक हुई, 22 दल उसमें मौजूद थे, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बुलाई थी बैठक, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो दो बड़े दल हैं देश के सबसे बड़े प्रांत से, वो गायब, वो आए ही नहीं बैठक में। और जो इन दो दलों में जो एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो रोजाना अपोजिशन के जो पार्टीज हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी, हो सकता है कांग्रेस से उनकी नाराजगी सही हो सकता है कुछ मुद्दों पर कांग्रेस बेहद गलत हो, लेकिन वो इस महामारी में सरकार या सरकार की नीतियों पर बोलने के बजाय वो सिर्फ अपोजिशन को निशाने पर ले रही हैं। मैं सुश्री मायावती जी की बात कर रहा हूं। और समाजवादी पार्टी के नेता अपनी आलोचना से नाखुश होकर, क्रोधित होकर बता रहे हैं कि कैसे उनकी पार्टी के नेता नेत्री और तमाम कार्यकर्ता इन दिनों मजदूर, जो प्रवासी मजदूर जो सड़कों पर, हाईवे पर चल रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम तो देश के तमाम अच्छे या बुरे या छोटे या मझोले तमाम विवाद एनजीओ भी कर रहे हैं, उसमें अनेक विवादास्पद एनजीओ भी हैं। तो ये काम जो आपने एनजीओ का कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते, जो देश के सबसे बड़े सूबे में सरकार चलाती रही है, आपका राजनीतिक पर्सपेक्टिव क्या है? आप इस सरकार की कोरोना महामारी से निपटने में अक्षमता और पूरे समाज और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, समाज को, इंडिविजुअल्स को, एक एक आदमी को जिस तरह संकट में खड़ा कर दिया है सरकार की नीतियों ने, उस पर आपकी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या है? एक राजनीतिक दल से ये अपेक्षा की जाती है। केरल में जो सरकार वहां की है, उसने एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी, एक अल्टरनेटिव मॉडल पेश किया है, जिसे पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी उसकी आलोचना करने से बाज आना पड़ा है। एक शब्द आप नहीं सुनेंगे कि केरला की कोई सरकार इस केंद्र सरकार में भी आलोचना कर पाए। क्यों? क्योंकि केरला ने एक ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया है मेडिकेयर के क्षेत्र में, अपने स्वास्थ्य जो उसका जो स्वास्थ्य की संरचना है उसके क्षेत्र में, और उन्होंने ये बताया है कि इस महामारी का अगर हम बेहतर ढंग से हमारे पास संरचना होती पूरे देश में, अगर हमारे पास बेहतर कोऑर्डिनेशन होता और संकल्प शक्ति होती, समझदारी होती, तो इससे बहुत अच्छे ढंग से निपटा जा सकता था। लेकिन हिंदी हार्टलैंड में न जाने वो क्या वजह है, और जिस वजह को बहुत सारे लोग जानते हैं, अदृश्य कुछ चीजें हैं जिनको कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कहने वाले जो राजनीति में लोग हैं खामोश रहते हैं, लेकिन जो सड़क पर चलते लोग हैं वो तो बोलेंगे। संसद में जो चीजें नहीं बोली जाती हैं, मर्यादा उनकी एक होती है, लेकिन सड़क पर लोग क्यों चूकेंगे बोलने से?
तो ये दोनों पार्टियां जो उत्तर प्रदेश की हैं, जो ऑल पार्टी मीटिंग में पहले भी कई बार नहीं आई हैं, वो जिन कारणों से ऑपोजिशन के ही खिलाफ खड़ी हो गई हैं और सत्ता पक्ष पर बिल्कुल खामोश हैं, जबकि सत्ता पक्ष सवालों के घेरे में आ जाए, वो कारण बहुत साफ हैं। कहीं ना कहीं उनको एक तरह से मजबूर कर दिया गया है कि वो उतना ही बोलें जितना उनको बोलने से काम चल जाए, वो चीजें ना बोलें जिससे केंद्र में सत्ताधारी दल को नुकसान हो, परेशानी हो, किसी तरह का उनके लिए संकट हो। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि अगर इस मौके को, इस महामारी को भी मौके में तब्दील करने की कोई स्ट्रेटजी अगर सत्ताधारी दल की है, अगर इस आपदा को भी अवसर में तब्दील करने का कोई इरादा है, तो उत्तर भारत के, खासकर उत्तर प्रदेश में, हिंदी हार्टलैंड में एक बड़ा प्रयोग होता दिखाई दे रहा है। मैं नहीं जानता इस प्रयोग का आखिर तक अंजाम क्या होगा, लेकिन निश्चित रूप से देश की सियासत के लिए, इसके फ्यूचर के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.